हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए लाई हूँ आले आलू। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम आले ले लिए हैं, जिनको मैंने अच्छी तरह से धोकर काट लिया। और अपने हिसाब से आलू ले लीजिएगा, जितने आपको चाहिए उन्हें भी धोकर काट लीजिए। और मैंने यहाँ पर आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच ज़ीरा, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लिया है। और एक मीडियम साइज़ का टमाटर ले लिया है, जिसको मैंने धोकर काट लिया है। अब मैंने गैस पर एक कढ़ाई रख दी, उसके अंदर एक कड़छी तेल डाल दिया भरकर। और उसके जब तेल तेज़ हो गया तो उसके अंदर मैंने ज़ीरा डाल दिया और मेथी दाना भी चाहिए है इसमें, उसमें मेथी दाना भी डाल दिया। और फिर आले आलू डाल देंगे। और इन्हें अच्छी तरह से तेल में को हल्का हल्का सा तल लेंगे। अब हम इसके अंदर अपने सारे मसाले डाल देंगे और जो हमने टमाटर काट कर रखा था उसको भी डाल देंगे और इनको अच्छी तरह से चला देंगे। अच्छी तरह चलाने के बाद अब हम इसके ऊपर ढक्कन ढक देंगे और लगभग 7-8 मिनट बाद हम इसको खोलकर चेक करेंगे। और एक कटोरी में हरा धनिया भी काट कर रख लेंगे। लीजिए, तैयार हैं हमारे आले आलू। अब हम इसको एक बाउल में निकाल कर ऊपर से हरे धनिया से गार्निश करेंगे। देखिए कितना अच्छा टेस्टी आले आलू बनकर तैयार हुआ है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।